आज हम रोडेंट्स मीन्स के चूहों की दवाई बना रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनती है। ये हमने शक्कर ली है, ये आटा लिया है, ये रिफाइंड है, रिफाइंड हम बीच में मिलाएंगे और ये देखिए मिक्स कर रहे हैं। और इसके अंदर हम मेडिसिन डालेंगे चूहों की, रोडेंट की, हम खुद ही तैयार कर रहे हैं। तो जब इसको रखना होता है दवाई को, तो ये छोटी छोटी प्लेट्स हैं जिसके अंदर हम रखेंगे। तो इससे ये दवाई ऐसी है जिसको चूहे खाएंगे, खाने के बाद क्या है, तुरंत खाएंगे और मरेंगे नहीं जल्दी। 24 घंटे का टाइम होता है, तो रिप्लेमेंट इसको बोलते हैं। तो चूहा खाने के बाद इसका जो ब्लड होता है ना, वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है, पानी जैसा हो जाता है। तो ये धीरे धीरे चूहे मरते हैं और इनके मरेंगे भी बाहर जाके मरेंगे, और बाकी के सारे चूहे वो भी मेडिसिन को खाएंगे। ऐसा नहीं कि एक चूहा खाएगा मरेगा तो उसके बाद दूसरे चूहे खाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब चूहे खाएंगे। तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे मिश्रण बन गया इसका। ऐसे ये मिक्स हो गई है, इसके अंदर आटा और शक्कर डाल के इसको मिक्स कर दिया है। अभी हम रिफाइंड डालेंगे इसको, तो फिर आगे की वीडियो में मैं दिखाता हूँ आपको। रिफाइंड को हमने गर्म किया कटोरी में, फिर उसके बाद हम मिक्स कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे रिफाइंड डालते हैं, डाल दे और डाल दे और डाल दे भाई और डाल दे, पर मिक्स इसको मिक्स करेंगे हम। फिर इसके लड्डू बनाएंगे छोटे छोटे, ऐसे भी रख सकते हैं। इसको अच्छे से गीला कर लेना रिफाइंड से, घी से।